नमस्कार किसान मित्रों, मैं अरविंद तोमर सभी किसान बंधुओं का स्वागत करता हूं। तो किसान बंधुआ, अभी जो समय चल रहा है वो गेहूं की बुवाई का एक उपयुक्त समय माना जाता है। इस समय अगर गेहूं की बुवाई हम समय से कर देते हैं तो गेहूं की पैदावार भी हमें अच्छी मिलती है। साथ ही साथ अगर गेहूं की बुवाई में हम अगर लेट हो जाते हैं जिससे गेहूं का उत्पादन हमें कम मिलता है, तो गेहूं का उत्पादन लेने के लिए एक अच्छी वैरायटी का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो उसी क्रम में हम एक गेहूं की एक टॉप रिसर्च वैरायटी को इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो उससे पहले जो किसान मित्र हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। खेतीबाड़ी से संबंधित वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम हमेशा लाते रहते हैं। तो किसान बंधुओं, जिस वैरायटी के बारे में हम बात करने वाले हैं वो कायमत गिरी सीड्स लिमिटेड की वैरायटी है 30-30। यह 30-30 रिसर्च गेहूं है। इस वैरायटी की पकने की अवधि की बात करें तो 125 से 130 दिन में किसान बंधुओं यह वैरायटी पककर तैयार हो जाती है। ये सभी प्रकार की मृदा में अच्छी मानी जाती है और अच्छी पैदावार दे देती है। यह रोगों के प्रति सहनशील है और दाना आकर्षण चमकीला इसका होता है और मंडी रेट भी इसका अच्छा मिलता है, क्योंकि दाना चमकीला होने के कारण इसका मंडी रेट भी अच्छा मिलता है। ये गिरने के प्रति प्रतिरोधी क्षमता इसमें है, ये वैरायटी गिरती कम है। साथ ही साथ अगर इसके बीज दर की बात करें तो यह 120 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसकी बीज की जरूरत होती है बुवाई के टाइम। अगर किसान मित्रों इसके बुवाई के समय की बात करें तो इसे 1 नवंबर से 30 दिसंबर तक इसकी बुवाई की जा सकती है। अगर उर्वरकों की बात करें तो इसकी बुवाई के लिए 120 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है और 60 किलोग्राम फास्फोरस की आवश्यकता होती है और 40 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है, जिसमें से आधी मात्रा नाइट्रोजन की बुवाई के समय प्रयोग करना चाहिए और आधी मात्रा खड़ी फसल में किसान मित्रों आपको प्रयोग नाइट्रोजन की करना चाहिए। साथ ही साथ अगर सिंचाई की बात करें तो इसमें 4 से 5 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। तो किसान मित्रों, ये वैरायटी एक रिसर्च वैरायटी है और 30-30 रिसर्च वैरायटी एक अच्छी वैरायटी कामित गिरी कंपनी की मानी जाती है। तो किसान मित्रों, इसका भी आप बुवाई करके एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो थैंक यू किसान मित्रों, नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं।